हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगा वरदा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे सीएसएस को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 63 है, जिसमें हम बात करने वाले मैक्स विद प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक कोड में हमने दो डिव क्रिएट की है, एक को नाम दिया है डिव क्लास EX1, दूसरे को डिव क्लास EX2, और कुछ हमने डेटा लिखा है। एक में हमने सिर्फ विड्थ लगाई है, दूसरे में हमने लगाया मैक्स विड्थ। तो बेसिकली अब विड्थ और मैक्स विड्थ में अंतर क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी डिव को विड्थ 500 पिक्सल हमने सेट कर दिया, तो चाहे डिवाइस का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो 500 ही रहेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम यूज़ करते हैं मैक्स विड्थ, तो हमने यहाँ पर एक क्रिटेरिया सेट कर दिया कि इस डिव की मैक्सिमम विड्थ 500 जा सकती है, कम कितनी भी हो जाएगी। ठीक है, मैक्स विड्थ 500 रहेगी कि मैक्सिमम विड्थ 500 ही रहेगी, और जो उसकी विड्थ कम होगी वो कम कितनी में हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इस तरीके से। अब देखिए, एक पहले वाले एलिमेंट में मैंने सिर्फ विड्थ लगाई है जो 500 पिक्सल है, दूसरे में लगाई है मैक्स विड्थ। अब मैं इसको अगर स्क्रीन को छोटा करता हूँ यहाँ पर इस तरह से देखेगा, अब मैं यहाँ पर स्क्रीन को साइज छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, जो जिस मैंने डिव में मैक्स विड्थ 500 लगाया है, तो वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। देखिए, स्क्रीन जैसे स्क्रीन छोटी हो रही है वैसे उसकी विड्थ भी छोटी हो जा रही है। मैक्स विड्थ लगाने का मतलब होता है कि इस डिव को मैंने मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल दे दी है, और ये कम कितना भी हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग 400 भी हो जाएगी, 300 भी हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी, बट 500 से ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ऊपर वाले डिव में सिर्फ विड्थ दिया है, विड्थ का मतलब क्या है कि विड्थ फिक्स कर दी कि 500 है तो 500 ही रहेगी, चाहे डिवाइस का जो साइज़ विंडो का जो साइज है वो कम हो चाहे बड़ा हो। आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्राउजर का स्क्रीन छोटा कर रहा हूं, बट जो मैंने जिसमें मैंने विड्थ दिया है 500 पिक्सल, वो उसका जो साइज है विड्थ है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन जिसमें मैंने मैक्स विड्थ यहां पर प्रोवाइड की है, तो मैक्स विड्थ में यहां पर हमें स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क कर रहा है। तो मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां पर एक डिव की विड्थ सेट कर दी कि इस डिव की विड्थ 500 से ऊपर नहीं जा सकती, और कम मैंने कुछ यहाँ पर सेट ही नहीं करी। कम ये 100 पिक्सल भी हो सकती है, 50 पिक्सल भी हो सकती है, और 20 पिक्सल भी हो सकती है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इसमें मैंने विड्थ 500 रखा है, ये 500 ही रहेगी चाहे स्क्रीन हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा विड्थ और मैक्स विड्थ में। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप इसमें प्रॉपर सीख चुके हैं कि विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब पहले थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।